हेलो, सलाम अलैकुम। कुकिंग विद ज़ुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब का मुरब्बा, जिसके लिए हमने ये दो सेब ले लिया है। इसको छील कर और डायरेक्ट पानी में कट करके रख देंगे। पानी में रखने से सेब काले नहीं पड़ते। ये देखिए, ये सारे एप्पल को हमने कट करके पानी में भिगो के रख दिया है। अब हमने जो खाजा बनाया था उसका शीरा बच गया है, ये देखिए। इसी शीरे में और शक्कर मिला के हम इसको बना लेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें ये आधा कप शक्कर डाल देंगे। गैस ऑन कर दिया हमने और ये कढ़ाई को चढ़ा देंगे। शीरा अच्छा सा जब पक जाएगा तब हम एप्पल को उसमें डाल के पका लेंगे गाढ़ा होने तक। इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल देंगे। हमने खाजा बनाते टाइम केसर ऑलरेडी डाला हुआ था। अच्छे से चला लेंगे इसको। अच्छा सा येलो कलर इसमें आ जाएगा। अब ये शीरा हमारा उबलने लगा है, अब इसमें हम एप्पल को डाल देंगे। और इसमें हाफ लेमन डाल देंगे, क्रिस्टलाइज ना आने पाए इसके लिए, नहीं तो इस पर ठंडा होने के बाद में शक्कर की कोटिंग दिखने लगती है, तो इसीलिए नींबू डालते हैं ये। अब इसको ढक के पकाएंगे। ये हमारा एप्पल पक रहा है और गाढ़ा हो जाने तक इसको पकाएंगे। अच्छा गाढ़ा हो जाएगा तभी उतारेंगे इसको, नहीं तो फिर अगर शीरा अगर हल्का रहता है तो ये खराब होने का डर रहता है इसमें। ये हमारा ये हो गया है एप्पल, ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा सेब का मुरब्बा रेडी हो गया है। अब इसको आप फ्रीज में रख के 6 महीने तक के रख सकते हैं इसको। ये देखिए, जिसको शुगर नहीं है, हार्ट के मरीज इसको खाएं तो उनको बहुत फायदा पहुंचता है इससे। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।